नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ 22 का भाग 2, मुख तथा मुख गुहिका। देखो बच्चों, हमने एक बात कही थी कि हमारी आहार नाल की शुरुआत हमारे मुख से होती है। तो बच्चों, ये है हमारा मुख। मुख को अगर हम देखें तो मुख ऊपर और नीचे दोनों होठों के बीच में एक छिद्र के समान संरचना होती है और यह छिद्र खुलता है मुख गुहिका में, जो कि एक गुहा या कैविटी हमें दिखाई देती है। मुख गुहा गुहिका को ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से घिरे हुए जो संरचनाएं पाई जाती हैं, आओ उनको देखते हैं। तो मुख गुहिका में सबसे ऊपर की तरफ, हमारे जैसे ही मुख खुलता है तो ऊपर की तरफ अगर आप जीभ लगा के महसूस करोगे दांतों के ठीक पीछे, है ना, तो आपको एक कठोर तालु महसूस होगा। और अगर आप थोड़ा सा पीछे मूव करते हो और यहाँ पर अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे जीभ की सहायता से, तो यहाँ पर तालु थोड़ा मुलायम होता है। तो हमारे मुख गुहिका के जो छत है वो कठोर और कोमल तालु से बनी हुई होती है। मुख गुहिका के दोनों किनारे पार्श्व, ये पार्श्व भित्तियों से बने हुए होते हैं, जिसको हम गाल भी कहते हैं। मुख गुहिका की जो सतह है, फर्श है, वो जीभ से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से मुख गुहिका चारों तरफ से कवर होती है। और ये जो मुख गुहिका का निर्माण हो रहा है बच्चों, ये हमारे ऊपरी और निचले जबड़े के द्वारा होता है। जबड़ा अस्थियों से बना हुआ होता है, ऊपर का जबड़ा है यह मूव नहीं करता, जबकि निचला जबड़ा जो होता है वो चलायमान होता है। और दोनों जबड़ों में, ऊपर और निचले वाले जबड़ों में, हमें हड्डियों की बनी हुई ये संरचना कठोर दिखाई देती है, जो कि दांत कहलाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मुख गुहिका की संरचना। अब हम इस वीडियो लेसन में मुख गुहिका में जीभ और दांत को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जीभ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेशीय संरचना होती है और ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो ये एक वीडियो देखो, आप देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जीभ के ऊपर अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किए हुए ये कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जीभ के ऊपर बच्चों स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। इनकी जो स्वाद कलिकाएं जीभ के सबसे पिछले भाग में उपस्थित होती हैं, ये हमें बिटर यानी कि कड़वा स्वाद का ज्ञान कराती हैं। और ये जो लेटरल साइड में पार्श्व में हमें कलिकाएं यहाँ पर जो उपस्थित होती हैं, वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराती हैं। ये कलिकाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, ये हमें नमकीन स्वाद को महसूस कराती हैं। और जीभ के बिल्कुल अग्र भाग से हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। तो ये हमारी स्वादेंद्रिय की तरह काम करती है और ये स्वाद कलिकाओं की पोजिशन यहाँ पर हमने देखी। आगे बात करते हैं दांत की। तो बच्चों, मानव के जो दांत हैं वहां पर हमें दो शब्द याद करने हैं, विषम दंती और द्विबाण दंती। अब इनका मतलब क्या होता है? विषम मतलब अलग अलग। तो हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए हमारे दांतों को विषम दंती कहते हैं। तो जरा देखो ये संरचना, ये यहाँ पर हम एक अपने जबड़े के आधे भाग को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो मुंह के कुल दांत हैं उसके चौथाई दांत यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो ये जबड़ा देखो, यहाँ पर आपको ये चार तरह के दांत दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों दांत एक जैसे दिख रहे हैं, ये एक दांत अलग नजर आ रहा है, ये दो दांत अलग दिख रहे हैं और ये तीन दांत हमें अलग नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुख में अलग अलग तरह के दांत उपस्थित हैं। आओ देखें इन दांतों के नाम क्या हैं। तो ये दो दांत कहलाते हैं बच्चों कृतनक या इंसिजर्स, ये कहलाता है कैनाइन या रदनक, ये कहलाता है अग्र चवर्णक या प्री मोलर्स, और ये कहलाते हैं बच्चों चवर्णक या मोलर्स। तो इस तरह के हमारे मुंह के अंदर कुल चार तरह के दांत उपस्थित होते हैं। ये चारों तरह के दांतों की जो संख्या होती है उसके आधार पर हमारा दंत सूत्र का निर्माण होता है। तो देखो दंत सूत्र कैसे बनता है। तो दंत सूत्र में बच्चों हम लोग
ये जो आधा जबड़ा है, आधा जबड़ा नीचे का और आधा जबड़ा ऊपर का, उसको लेकर चलते हैं। कैसे? देखो, इंसिजर्स ये 2x2, यानी कि ऊपर वाले जबड़ों में इनकी संख्या 2 है और नीचे वाले जबड़ों में भी इनकी संख्या 2 है। ये देखो, यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ही हम यहाँ पर ऊपर वाले जबड़े में उपस्थित होंगे। इसी तरह से कैनाइन, एक निचले जबड़े में और एक ऊपर के जबड़े में। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स, 2 नीचे के जबड़े में, ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। चवर्णक या मोलर्स, 2-3 ऊपर के जबड़े में और 3 नीचे के जबड़े में उपस्थित होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने ऊपर के जबड़ा और नीचे का जबड़ा और कितना भाग, आधा भाग, उसकी संख्या को यहाँ पर लिख दिया। अब जरा एक बार इसको आप काउंट करो, ये कितनी होती है। तो 2 और 2 4, 4 5 और 1 ये 6, 7 8 9 10, 10 और 3 13 और 3 16। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 16 दांत हैं, ऊपर और नीचे आधे मुंह के मिला के। तो बाकी आधा मुंह बच गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कुल दांत आ जाएंगे 32। तो जब भी दंत सूत्र लिखने के लिए आए तो आपको ये कोष्ठक के अंदर जो लिखा हुआ सूत्र है, ये आपको वहां पर लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चों चारों अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इनके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हमें कुछ काटना है तो हम इंसिजर्स का प्रयोग करेंगे, अगर कोई कड़ी चीज है और उसको चीरना है तो हम हमारे कैनाइंस का प्रयोग करेंगे, और ये प्रीमोलर्स चबाने के काम आते हैं, और चवर्णक कठोर चीजों को तोड़ने के काम में आते हैं, और साथ ही चबाने में भी ये मदद करते हैं। तो ये इन चारों के हमारे कार्य हो गए। अब आते हैं बच्चों हम इस दूसरे शब्द के ऊपर, ये है द्विबारदंती। द्वि मतलब 2, 2 बार। तो बच्चों हमें पता है कि मानव में दांत 2 बार आते हैं। एक बार तो जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं अभी दूध के दांत आए हैं, फिर बच्चा जब लगभग 7-8 साल का होता है तो वो उसके दूध के दांत एक एक करके गिरना शुरू होते हैं, और उसके बाद में परमानेंट यानी कि स्थायी दांत आते हैं। तो 2 बार दांत आने की अवस्था को द्विबारदंती कहा जाता है। बच्चों, जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं उसकी संख्या 20 होती है, वयस्कों में 32 है, बच्चों में 20 होती है। तो देखिए कौन से दांत नहीं होते, तो उनमें एक तो ये अग्रचवर्णक, ये 2 दांत अनुपस्थित होते हैं, और एक ये सबसे पीछे वाला चवर्णक, ये दांत बच्चों में नहीं पाया जाता। तो कितने दांत हो गए, 3 और 2 5, आधे जबड़े में 5 दांत बच्चों के उपस्थित होंगे, और कुल मिलाकर 20 दांत उपस्थित होंगे। देखिए उनका दंत सूत्र कैसे बनेगा, प्रीमोलर्स एब्सेंट है और मोलर्स कितने हैं, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में। अब संख्या कितनी हो गई, 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे के आधे जबड़ों में मिलाकर संख्या हो गई 10। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों का दंत सूत्र ये बन जाएगा, उनके मुंह में कुल 20 दांत होंगे। अब बच्चों हम चलते हैं आगे दांत की आंतरिक संरचना के ऊपर। तो देखो ये चित्र यहाँ पर दांत की आंतरिक संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। दांत बच्चों बहुत कठोर संरचना होती है, और प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये कहलाता है मूल, दूसरा भाग ये कहलाता है ग्रीवा, और तीसरा भाग ये कहलाता है शिखर। देखो शिखर हमारे मसूड़ों से बाहर निकला हुआ जो भाग है वह कहलाता है ग्रीवा, जहां पर हमारे मसूड़ों में दांत ऐसे फंसा हुआ है, और मूल जो हड्डी के अंदर दांत का भाग धंसा हुआ है वह कहलाता है मूल। तो इस तरह से दांत के 3 भाग होते हैं। बच्चों जबड़ों की अस्थि में ये जो दिखाई दे रहा है येलो कलर का पोर्शन, ये हड्डी है जो जबड़ों में पाई जाती है। इन जबड़ों की अस्थियों में बच्चों गर्त होते हैं, ये गर्त है जिसके अंदर ये दांत फिट किया हुआ है, और इस गर्त में मसूड़ों की, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है ये हमारे मसूड़े हैं, तो इस गर्त में ये मसूड़ों की मांसल परत होती है,
और इस मांसल परत के अंदर दांत का विकास होता है। और दांत को मसूड़ों के साथ बांध के रखने में ये नाम देखो यहाँ पर सीमेंट, इस पदार्थ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सीमेंट के द्वारा दांत जो है वो इन मसूड़ों के साथ में अच्छी तरह से पैक रहते हैं और इस हड्डी के अंदर एकदम टाइटली मजबूती के साथ में जमे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गर्त के अंदर हमारा दांत लगा रहता है। अब देखते हैं दांत की संरचना कैसी है। तो जो ये शिखर वाला भाग है बच्चों, ये बना हुआ होता है इनेमल से, और इनेमल हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कठोर भाग होता है। ये जो पिंक कलर का भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कहलाता है डेंटिन। ये हमारा मुख्य दांत है और इसका विकास कैसे होता है अभी हम देखते हैं। डेंटिन के अंदर बच्चों ये ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा के अंदर बच्चों तीन तरह की चीजें पाई जाती है, दंत कोशिकाएं, रुधिर वाहिनियों का जाल और तंत्रिका तंतु। ये जो बच्चों दंत कोशिकाएं होती है, ये दंत कोशिकाएं ही डेंटिन का स्त्राव करती हैं, जिनसे हमारा ये दांत का मुख्य भाग डेंटिन का निर्माण होता है। ठीक है, और दंत कोशिकाओं को पोषण देने का काम रुधिर वाहिनियां करती हैं और तंत्रिका तंतु संवेदी संवेदों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। दंत कोशिकाओं की सक्रियता के कारण ही डेंटिन का निर्माण होता रहता है और हमारे दांतों का विकास होता है। और एक निश्चित आयु के बाद में ये दंत कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और दांत का विकास रुक जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस भाग पर, नीचे वाले भाग पर। तो देखो यहाँ पर एक ये एक रंध्र उपस्थित होता है, दिख रहा है आपको ये दंत कोशिकाओं में इसके सॉरी मूल का जो हमारा आधार भाग होता है इसमें ये एक छिद्र उपस्थित होता है जिसको मूल रंध्र या एपिकल पोर भी हम कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा ही रक्त वाहिनियां और तंत्रिका तंतुओं का जो है वो संवहन, तंत्रिका संवेगों का संवहन जो है इस छिद्र के द्वारा ही बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और रुधिर वाहिनियां भी यहीं से प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं और दंत कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। तो ये थी बच्चों हमारे दांत की संरचना। अगले वीडियो लेसन में अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को देखते हुए सारे पॉइंट्स नोट करते रहना, उनको लिख लेना ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और दांत का चित्र बनाना बहुत जरूरी है, ये कई बार पूछा जाता है, दंत सूत्र कई बार पूछा जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जीभ पर जो हमारे स्वाद कलिकाएं उपस्थित हैं उनकी पोजीशन के ऊपर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इनके आप नोट्स लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।